आज जो बारिश ने इस पूरे महाराष्ट्र में जो एक कहर ढाई जैसा इतनी बारिश हुई, विशेष रूप से कुलावा में 229 मिलीमीटर बारिश शाम तक हुई, कोल्हापुर में 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई और अपने हमारे शांताक्रूज में 65 मिलीमीटर की बारिश हुई। इससे मुंबई में चारों तरफ अपने को बारिश जो नजर आती है, पर डरने की कोई बात नहीं। रात में 1 बजे आज हाई अलर्ट घोषित किया गया है, इसके लिए थोड़ा जनता ने, हमारे पब्लिक ने थोड़ा सावध से रहने के लिए सूचना दी गई है और अपने घर पे ही रहे, अपनी सुरक्षितता खुद रखे। और हमने मुंबई में भी 5 एनडीआरएफ के टीम को तैनात किया है, कोल्हापुर में 2 टीम थी, फिर से 2 टीम कोल्हापुर में भी भेज दिया गया है। अभी कोल्हापुर में 4 टीम यहाँ वहाँ पे तैनात की गई, विशेष रूप से पंचगंगा जो नदी है उस एरिया में जो तालुका है विलेजेस है उसको अलर्ट रहने की घोषणा की, क्योंकि कोल्हापुर में पंचगंगा की नदी की लेवल जो है रिवर की, वो हर 1 घंटे के अंदर 1-1 फीट से बढ़ रही है। इसीलिए अभी तो हम लोग जो अलर्ट से नीचे है, पर इससे थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। हो सकता है ये शायद 43 मीटर्स ये उसका अलर्ट का उसकी हाइट है, उससे नीचे अभी नदी बह रही है। मैं हम लोग पूरे हमारे एनडीआरएफ के सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर श्री निर्मलकर साहब और हमारे यावलकर साहब, ये दोनों इस परिस्थिति पर नियंत्रण रखे हुए और पूरी उनकी टीम यहाँ पर इस परिस्थिति का जायजा ले रही है और डरने की कोई बात अभी तक नहीं है। रात में जो बारिश बढ़ने की सूचना मिली है और उससे जनता सजग रहे, अलर्ट रहे, इतना ही आज आवश्यक।